हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच हेल्प यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नो टीवी प्रोग्राम फाउंड को कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नो टीवी प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप लोग मिनटों में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा MPG2 रिसीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं नो टीवी प्रोग्राम फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मेनू बटन प्रेस कर देना है, रिमोट जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं, रिमोट का मेनू बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको आना है प्रोग्राम सेटअप। प्रोग्राम सेटअप पर आने के बाद यहाँ पे ओके बटन कर देना है प्रेस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू प्रोग्राम। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो सिग्नल है वो सही तरीके से सेट है कि नहीं है। अगर जो सेट नहीं होगा तो आप ऑटो स्कैन मत कीजिए, मतलब यहाँ पे ऑटो स्कैन दिखाई दे रहा है, आप ऑटो स्कैन करेंगे तो चैनल नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो सेट नहीं होगा। तब मान लीजिए कि आपका सिग्नल सेट है तो ऑटो स्कैन करेंगे तो आपका जो चैनल है वो आ जाएगा, लेकिन आपका जो सिग्नल नहीं सेट होगा तो आप ऑटो स्कैन जितना भी मन करे उतना बार कर ले, फिर भी आपका एक भी चैनल नहीं आएगा। ये दोस्तों हम एक्सपीरियंस कर बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्कैन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका जो चैनल है वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा छतरी हिल गया है। मान लीजिए आपका यहाँ पे नो टीवी प्रोग्राम लिख रहा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आना है ऐड न्यू प्रोग्राम पे आकर, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक टीपी ऐड करना है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल मेरा है कि नहीं है। यहाँ पे 34 और यहाँ पे 30 कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे 34-30 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, यहाँ पर 29500 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी कर देना है, देख सकते हैं भी जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 43% सिग्नल आ गया है। तो आपको ऐसे मालूम कर लेना है कि मेरा छतरी सही है कि नहीं है। अगर जो नहीं है तो आप यहीं पे छोड़कर छतरी की तरफ चल जाइए, और वहाँ से आप हिलाकर छतरी को देख लीजिए एक बार, अगर जो सिग्नल आ जाए तो सही है, सिग्नल आ जाएगा तभी आप ऑटो स्कैन कीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे ये वीडियो फेक है, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो नो सिग्नल पर रहेगा, और ऑटो स्कैन करेंगे तो आपका चैनल नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये फेक वीडियो है, तो ये फेक वीडियो नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 45% सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि मेरा सिग्नल था वो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है ऑटो स्कैन पे। ऑटो स्कैन पे आने के बाद यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही छोड़ देना है, और आपको रिमोट से ये वाला ओके बटन कर देना है प्रेस। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लाइन भरने लग जाएगी, और ये 100% होगा तो आपका सभी चैनल आ जाएगा। देखते रहिए वीडियो को और लाइक अवश्य कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्कैन दोस्तों स्टार्ट हो गया है। दोस्तों MPG4 रिसीवर देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, और ये सिग्नल का बत्ती है। जैसे ही सिग्नल मेरा बढ़ा, मतलब लाइट यहाँ पे जला, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जल गया तो यहाँ पे चैनल आ रहा है। इसका मतलब देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आ रहा है तो मेरा चैनल भी आ रहा है। तो ऐसे ही करके आप बहुत ही आसानी से ऑटो स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो स्कैन सभी चैनल आ जाएंगे, कुछ देर इंतजार करना होगा। देख सकते हैं आपका जो छतरी है वो नो सिग्नल रहेगा, मतलब छतरी सेट नहीं रहेगा DD फ्री डिश पे, तो आप ऑटो स्कैन करेंगे तो एक भी चैनल ये दोनों में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो चैनल भी आ रहा है, लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, ये दोस्तों CRT TV है इसलिए साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 100% हो गया, और ये मेरा चैनल आ गया है। देख सकते हैं वो प्रॉब्लम था दोस्तों नो टीवी प्रोग्राम, वो दोस्तों यहाँ पे हट चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं सभी चैनल यहाँ पे चलने लग गया है, 155 चैनल आपको देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो
सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।